जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाली हूँ बस ये दो चीज़, माता काली को चढ़ा देना। 5 दिन के अंदर ही आप लोगों को माता काली अपने दर्शन देगी। ये दो चीज़ आप लोगों को कंटिन्यू चढ़ानी है, वो भी 5 दिन होने से पहले पहले। इसको रोज़ ही आपको सुबह शाम की पूजा में चढ़ाना है और इस तरीके से आप लोग माता काली को बोलना है जैसे मैं बताऊंगी। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप भी माता काली के दर्शन साक्षात उनके रूप में आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बताने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब, टू लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलती रहेगी जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हो कि माता काली के अन्य भक्त हैं और अन्य भक्तों की चाहत होती है कि वो माँ काली के दर्शन करें, और बहुत से लोगों को दर्शन होते भी हैं, बहुत से लोगों को दर्शन नहीं भी होते हैं। तो जिनको दर्शन नहीं होते हैं वो ये दो चीज़ ज़रूर माता काली को चढ़ाएं, और मैं उनको गारंटी के साथ ये बात कह सकती हूँ कि उनको भी फिर माता काली के दर्शन होंगे ही होंगे। बस ये दो चीज़ आप लोगों को चढ़ानी है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है, जो मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहना एंड तक, अगर आप वीडियो को काट के देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो वो दो चीज़ क्या होती है जो माता काली को हमें भक्तों को चढ़ानी होती है, वो मैं आपको बता देती हूँ। पहली चीज़ दोस्तों होती है कि हर मंगलवार के दिन माता काली को आप लोगों को नींबू की माला ज़रूर अर्पण करनी चाहिए। चाहे आप 11 नींबू की करें, चाहे आप 21 नींबू की करें, चाहे आप 51 की करें, चाहे आप 108 की करें, जितनी आपकी श्रद्धा, जितनी आपकी इच्छा अनुसार आप लोग माता काली को हर मंगलवार को नींबू की माला की भेंट ज़रूर चढ़ाइए। माता काली की भेंट होती है और इसी भेंट से माता काली अति ज़्यादा प्रसन्न आप लोगों से होने लग जाती है, और जब आपसे प्रसन्न हो जाती हैं तो आपको माता काली अपने दर्शन ज़रूर देती हैं, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को अपनी पूजा में ज़रूर चढ़ानी चाहिए। मान लो हर मंगलवार को यदि आप लोग माता काली को नींबू की माला चढ़ाओगे तो उतनी ही माता काली आप लोगों से प्रसन्न होएंगी, आपको दर्शन देगी। तो ये एक चीज़ आपको पहले नंबर पे चढ़ानी है। और दूसरी बात ये है कि दोस्तों, जब जब आप लोग पूजा पाठ करेंगे तब तब आप लोगों को माता काली को लौंग बतासे का भोग, नींबू जायफल की भेंट और साथ में मिश्री और हरी इलायची एंड उसके साथ साथ एक मीठा पान, ये एक दिन में एक बार माता काली को, वो भी शाम के समय, ये चीज़ माता काली को ज़रूर चढ़ाएं। यानी कि दिन में तो आप केवल उनको लौंग बतासे का भोग दे दें, और शाम के टाइम 6:30 बजे के बाद जब आप अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करेंगे तब आप लोगों को माता काली को यही चढ़ाना है जो मैंने आपको बताया है, जैसे कि लौंग बतासे का भोग, नींबू जायफल की भेंट, पान और एक साबुत सुपारी और उसके साथ साथ हरी इलायची और मिश्री। ये चीज़ें आपको शाम के टाइम माता काली को ज़रूर चढ़ानी चाहिए। यदि आप लोग ये चीज़ें माता काली को चढ़ाएंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ ये कह सकती हूँ कि 5 दिन के अंदर ही अंदर आप लोगों को माँ काली के साक्षात उनके ही रूप में दर्शन ज़रूर होंगे, जब आप लोग इस कार्य को करेंगे तब। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ये क्यों चढ़ानी पड़ती है, किस वजह के कारण, देखो पहली बात ये होती है ये चढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि आप माता काली के भक्त हैं, पूजा पाठ सेवा भक्ति करते हैं, तो ये चीज़ें आप लोगों को ज़रूर माता काली को चढ़ानी चाहिए। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि अगर हम माँ काली को ये सब चीज़ें चढ़ाएँगे तो माता काली हमसे जल्दी प्रसन्न हो जाती है, और प्रसन्न होने के बाद ही माँ काली जैसे ही आपकी कठिन तपस्या, कठिन पूजा पाठ देखती है तो वो उसको देखकर जो आप भोग प्रसाद माता काली को चढ़ाते हैं कभी भी उनको भूखा नहीं रखते हैं, तो माता काली और भी ज़्यादा जल्दी आप सभी से, हमसे प्रसन्न हो जाती है। तो ये चढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप कल को भगत बनोगे
तब भी आपको ये चीज़ें चढ़ानी होगी जो कि रेगुलर पूजा पाठ में चढ़ानी पड़ती है। अगर आपको एक अच्छा भगत बनना है तो आपको चढ़ानी पड़ेगी, अगर आपको कोई कार्य कराना है तो आपको चढ़ाना पड़ेगा, अगर आपको माँ काली के दर्शन करने हैं तो आपको चढ़ाना पड़ेगा, अगर आपको माता काली से बात करनी है, देखना है माता काली को, तो भी आपको चढ़ाना पड़ेगा। तो मतलब ये होता है एक माँ का छोटा सा भोग जो कि भेंट के तौर पर दिया जाता है। यदि हम माँ काली को भोजन कराएंगे तभी तो माँ हमारे आगे कार्य करेंगी, और उसके साथ साथ हम जो जो चीज़ें माता काली से मांगते रहेंगे वो चीज़ें हमें माता काली देती रहेगी। तो दोस्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि इस तरीके से आप लोग माता काली के दर्शन आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। मैं विनती करूँगी माता काली से, माता काली आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें, खुश रहें आप और खुश रहे आपका।